हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से क्लोथ का टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी फोल्ड आपको ड्रॉ करना हो, कोई भी कोट का, तो इस तरह का मैं आपको कोट ड्रॉ करके दिखाऊंगा और आपको काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम कोई भी फोल्ड ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिस भी एरिया में आपने ड्रॉ करना है, जितना बड़ा ड्रॉ करना है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको ब्लैक एरियाज दिख रहे हैं, जो भी डेप्थ वाले एरियाज दिख रहे हैं, उनकी आउटलाइंस को ड्रॉ कर लो। इसकी मैं आपको रियल टाइम वीडियो नहीं दिखाऊंगा, रियल टाइम में मुझे एक घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लगा था, तो इसको मैं थोड़ा फास्ट करके दिखाऊंगा आपको ताकि अच्छे समझ में आ जाए और आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे। कॉलर बिल्कुल डार्क है तो मैं सीधा डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, टेन बी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल डार्क कर दूंगा क्योंकि आप देख सकते हैं कॉलर बिल्कुल डार्क है, और चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं आप इस तरह के डार्क एरियाज़ के लिए। और मैंने इस पे वीडियो बना रखी है कि किस तरह से आप चारकोल पेंसिल का यूज़ करके काफ़ी ईजिली कोई भी क्लोथ का टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इस पे वीडियो बनाई थी पहले भी, बट आज की इस वीडियो में मैं ओनली ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करके आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। क्लोथ की डिटेलिंग में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का अप्लाई करना पड़ता है अगर आपको बिल्कुल रियलिस्टिक बनाना है तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं शेडिंग। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ 4B पेंसिल से। 4B पेंसिल से मैं लाइटली शेड करूँगा जो भी डार्क एरियाज हैं, जो भी डेप्थ वाले एरियाज हैं, जो भी आपको कोट में दिख रहे हैं, जो भी जहाँ पे बिल्कुल डार्क है, तो उनको मैं पहले शेड कर लूँगा। अब इसको ब्लेंड कर लूँगा ब्लेंडिंग स्टम का ही यूज़ करके। देखो, जो भी डार्क एरियाज थे कोट में उनको मैंने शेड कर लिया है डार्कली, और जहाँ पे डार्क नहीं था उनको मैंने छोड़ दिया है, वहाँ पे मैंने ज़्यादा शेडिंग नहीं की है। अब मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ जो भी डार्क एरियाज नहीं है वहाँ पे शेडिंग करने के लिए। अब इसको भी ब्लेंड कर देते हैं, और मैं रफ पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको ये ड्राइंग पहले दिखाई थी एक वीडियो में, और इसकी वीडियो अब मैं अब दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इसको। तो रफ पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, अगर इसको स्मूथ पे ड्रॉ करते तो ये और ज़्यादा स्मूथ होता। अब मैं यूज़ करूँगा 6B पेंसिल, जो भी डार्क एरियाज हैं उनको फिर से शेड करूँगा, जो डार्क एरियाज हैं ओनली उनको। अब इसको फिर से ब्लेंड कर देते हैं।
अब मैं यूज़ करूँगा 10B पेंसिल, जो भी डार्क एरियाज है उनको और डार्क करने के लिए, क्योंकि हमको बिल्कुल अपनी फ़ोटोग्राफ के अकॉर्डिंग जितना फ़ोटोग्राफ में डार्क है उसके अकॉर्डिंग उतना ही डार्क बनाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको शेडिंग करते रहनी है। और अगर मैं चारकोल का यूज़ करता तो अभी तक तो ये ड्रॉ हो जाता, क्योंकि एकदम से उसमें डार्क हम ऑप्ट कर सकते हैं और एकदम से शेडिंग कर सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है किस तरह से आप टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके कोई भी क्लोथ का। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आप देखना चाहें तो। काफ़ी ईजिली आप चारकोल का यूज़ करके इस तरह का टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो जो भी डार्क एरियाज थे उनमें मैं प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल डार्क था। तो इस तरह से आपने ऑब्जर्व करना है अपने फोटोग्राफ में, जहाँ पे डार्क हो उस तरह से आप प्रेशर का अप्लाई करके वहाँ पे डार्क कर सकते हो। इसी से आपका जो टेक्सचर है वो रियलिस्टिक लगेगा अपनी फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग। अब इसको फिर से ब्लेंड कर देते हैं फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके, कहाँ पे कितना ब्लेंड करना है, कहाँ पे कितना डार्क है, कहाँ पे कितना लाइट करना है उसके अकॉर्डिंग। और अपने ड्राइंग पेपर को आप मूव भी कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, आपको जिस हिसाब से अच्छा लगता हो। मैं तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको अच्छे से दिख जाए, बट आप मूव कर सकते हैं, काफ़ी आसानी होगी आपको उससे। आपके जो पेपर स्टम के ऊपर ग्रेफाइट लग जाता है आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए। जैसे कि मैं कोई अब अलग से शेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी का यूज़ करके जो भी उसके ऊपर ग्रेफाइट लगी हुई है उसका यूज़ करके मैं टेक्सचर ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूँ। जो भी टेक्सचर है बस आपने टेक्सचर देखना है, कहाँ पर कितना लाइट है, कहाँ पर कितना डार्क है, उसके अकॉर्डिंग आपने ब्लेंडिंग स्टम का यूज़ करना है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल। जो भी डार्क एरियाज हैं वहाँ पे थोड़ी डार्क शेडिंग कर दूंगा, और जहाँ पे लाइट एरियाज हैं वहाँ पे थोड़ी लाइट शेडिंग कर दूंगा, थोड़े बस लेयर अप्लाई कर दूंगा। ज़्यादा डार्क पेंसिल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं एकदम से, पहले मैं 4B का यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद जो भी डार्क एरियाज होंगे वहाँ पर मैं 6B का यूज़ करके डार्क कर दूंगा। अब मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अब फिर से ब्लेंड कर रहा हूँ मैं जो भी एरियाज डार्क हैं वहाँ पे, और जहाँ पे भी स्मूथ टेक्सचर करना है वहाँ पे। जो भी आपको बीच में फोटोग्राफ की लाइट दिख रही है जहाँ पे बिल्कुल वाइट है वहाँ पे आपको हाईलाइट करना पड़ेगा किसी भी रेज़र का यूज़ करके। आप नीड रेज़र का यूज़ कर सकते हैं, टोम्बो ज़ीरो रेज़र का यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेंसिल रेज़र किसी भी रेज़र का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो अपने टेक्सचर के अकॉर्डिंग। तो नीड रेज़र से उतना अच्छे से नहीं हो पाता है तो मैं पेंसिल रेज़र का यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमको बिल्कुल फाइन हाईलाइट नहीं चाहिए, मोटे मोटे हाईलाइट चाहिए इस तरह से। तो पेंसिल रेज़र का यूज़ करके आप कर सकते हैं। अब मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ हल्की सी ब्लेंडिंग करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा वाइट हो गया। तो आपने अपने फोटोग्राफ में ऑब्जर्व करना है कहाँ पे कितना डार्क है, कहाँ पे आपको कितना हाईलाइट करना है। सिर्फ इरेजर का यूज़ करके हाईलाइट करने से ही नहीं होता है, आपको अपने टेक्सचर को देखना पड़ेगा वहाँ पर कितना लाइट है और कितना डार्क है, उसके अकॉर्डिंग आपको हाईलाइट करना पड़ेगा।
सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम किसी भी क्लोथ के टेक्सचर को ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी फोल्ड को ड्रॉ कर सकते हैं। बस यही मेथड होता है, जो भी फोल्ड वाले डार्क एरियाज हैं उनको डार्क कर दो डार्क पेंसिल का यूज़ करके। बाकी आप ऑब्जर्व करो कहाँ पे कितना हाईलाइट है, कहाँ पे कौन सा क्लोथ का जो फोल्ड है वो किस तरह से मुड़ा हुआ है और वहाँ पे किस तरह से डार्क या लाइट शेडिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग वहाँ लाइट या डार्क पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग करो। और उसके बाद जहाँ पे भी लाइट एरियाज हो, जहाँ पे हाईलाइट हो, वहाँ पे इरेजर का यूज़ करके उसको हाईलाइट कर दो। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा क्लोथ के टेक्सचर पे, किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लोथ के टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हो। सो गाइस स्टे कनेक्टेड, विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।